आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मनुष्य देव वर्सेस एलग्रो। वैसे तो दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं, कहां एलग्रो के हाई क्वालिटी थंबनेल और कहां मनुष्य देव के क्लिकी थंबनेल। बट मनुष्य देव के थंबनेल क्लिकी तो हैं, लेकिन वैसे फजूल क्वालिटी के हैं। ओवरऑल हर चीज में मनुष्य देव एलग्रो से पीछे है। हम लोग एडिटिंग की बात कर सकते हैं, वॉइस ओवर की कुछ भी ले सकते हैं। इस वीडियो का मतलब किसी भी क्रिएटर को हेट देना नहीं है, मनुष्य देव अपनी तरफ से बेस्ट वीडियो बनाता है। तो आज की वीडियो में मैं फैसला करने की कोशिश करूंगा कि कौन है बेस्ट क्रिएटर, मनुष्य देव और एलग्रो। इस वीडियो का फैसला करने के लिए मैंने वीडियो के तीन पार्ट रखे हैं। इन तीन पार्ट के नाम बताता हूं मैं, एडिटिंग इन वीडियो, किसकी वीडियो में ज्यादा वैल्यू होती है, और एंड पे तीसरा ये है कि मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह ग्रो कर सकते हो अपना चैनल इनकी तरह। लेकिन इन सब पॉइंट से पहले आपके माइंड में एक कॉमन क्वेश्चन आता होगा। एक तरफ मैं बोल रहा हूँ मनुष्य देव की वीडियो एलग्रो के सामने फजूल है, जबकि दूसरी तरफ देखे तो एलग्रो के सब्सक्राइबर मनुष्य देव के करीब भी नहीं। एलग्रो के सब्सक्राइबर 3.5 लाख और इसके करीब करीब ही होंगे, और मनुष्य देव के सब्सक्राइबर मिलियंस में हैं। सो व्हाई मनुष्य देव हैव मोर सब्सक्राइबर देन एलग्रो, जबकि उसकी वीडियो फजूल क्वालिटी की है एलग्रो के सामने। तो इसका सीक्रेट है मनुष्य देव की स्टोरी। मनुष्य देव एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, आज मनुष्य देव यूट्यूब से मिलियंस ऑफ रुपीज अर्न कर रहा है। तो इसकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है कि तुम लोग इसकी स्टोरी से इंस्पायर होकर इसका चैनल देखते हैं और इसकी तरह ग्रो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके स्टोरी में बहुत ज्यादा इस तरह आपको फील होता है कि एक पुअर फैमिली से बचा था और आप इतने मिलियंस ऑफ अर्न कर रहा है, किस तरह तो आप भी कोशिश करते हो ग्रो करने की, इंस्पायर होते हो तो इसका चैनल देखते हो। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है इसके फेम का। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट की जिससे हमें पता चलेगा कि मनुष्य देव अच्छा यूट्यूबर है या एलग्रो। जो पॉइंट मैंने शुरू में बताए थे वो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, एडिटिंग इन वीडियो। अब एडिटिंग में तो कई लोग मुझे कहेंगे इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं। एलग्रो की एडिटिंग आप देख सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी होती है, और मनुष्य देव की एडिटिंग भी आप देख सकते हैं। थंबनेल की बात कर ले तो वो मैं शुरू में आपको दिखा सकता हूँ, फिर दोनों तरफ थंबनेल स्क्रीन पे आ गए होंगे और आपको पता लग गया होगा, थंबनेल भी दोनों का मुकाबला बनता ही नहीं। अब वॉइस ओवर की बात करें तो एलग्रो की वॉइस पहले तो बहुत कूल लगती थी जब वीडियो होती थी उसकी ऑडियो में, बट अब इतनी कूल नहीं लगती। एलग्रो के मशहूर होने का तल्लुक उसकी वॉइस से भी है, उसकी वॉइस इतनी कमाल की लगती है वीडियो में कि हर बंदा उसकी फुल वीडियो जरूर देखता है। तो एडिटिंग मनुष्य देव की भी सही है, एलग्रो की भी सही है, क्योंकि एलग्रो की एडिटिंग तब कमाल होती थी जब वो ऑडियो में वीडियो बनाता था। अब तो वो जो है वो वीडियो में वीडियो बनाता है तो उसमें क्या ही एडिट करना होता है, वीडियो को एडिट कर लिया साथ कटिंग पेस्टिंग कर ली, यही एडिटिंग हो सकती है वीडियो वाली वीडियो में, जो मनुष्य देव भी करता है और एलग्रो भी करते हैं। बट मनुष्य देव के थंबनेल अब बहुत अच्छे हो चुके हैं, लेकिन मनुष्य देव के थंबनेल अच्छे तो हो चुके हैं लेकिन उसकी क्वालिटी इस वजह से डाउन चल जाती है। वो थंबनेल के ऊपर इस तरह के टाइटल लिखता है जो क्लिकी होते हैं, लेकिन थंबनेल क्लिकी होना एक बहुत अच्छी बात है कि आपका CTR बढ़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है आपकी वीडियो को वायरल पहुंचाने में। CTR बहुत डिपेंड करता है, अगर CTR ज्यादा हो तो आपकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल जाती है। तो एक तरफ बात करें मनुष्य देव भी अपनी तरफ से बेस्ट करता है और एलग्रो भी अपनी तरफ से बेस्ट करता है। अब दूसरी बात आ जाती है वैल्यू इन वीडियो, कहां मनुष्य देव की वीडियो जिसमें वो 2-4 बातें करता है वीडियो के एंड कर सकता है, और कहां है एलग्रो की वीडियो जिसमें वो यूट्यूब का पूरा एल्गोरिथम समझाता है। रिसेंटली एलग्रो की एक वीडियो आई है एलग्रो मास्टर क्लास, और जो बंदा वो वीडियो देख चुका है पता लग ही गया होगा एलग्रो कितना टैलेंटेड है यूट्यूब की फील्ड में, क्योंकि उसमें उसने पूरा ही बता दिया कि यूट्यूब पे आप वायरल जा कैसे सकते हो। ये एक बहुत बड़ा फर्क है मनुष्य देव और एलग्रो की वीडियो के बीच। मैं खुद एलग्रो की वीडियो इसलिए पसंद करता हूँ, एलग्रो की वीडियो की क्वांटिटी तो कम होती है लेकिन वो कम क्वांटिटी का हमें बहुत फायदा होता है, हम कम टाइम में थोड़ी सी भी उसकी वीडियो देख के बहुत ज्यादा नॉलेज सीख सकते हैं, जबकि मनुष्य देव की वीडियो की क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन उसकी वीडियो में वैल्यू भी बहुत कम होती है और साथ उसकी क्वालिटी भी डाउन होती है। इसलिए मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि क्वांटिटी बेशक बंदे की कम हो, वैल्यू वीडियो में ज्यादा और क्वालिटी ज्यादा हो, जिसमें एलग्रो जीत जाता है मनुष्य देव, क्योंकि एलग्रो की वीडियो में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अगर मैं अपनी वीडियो या किसी भी बड़े क्रिएटर की वीडियो की बात करूँ यूट्यूब टिप्स में, जबकि दूसरी फील्ड में है कई यूट्यूबर एनिमेशन में है और बहुत सारी फील्ड में, लेकिन उसकी फील्ड में कोई इस वक्त ऐसा यूट्यूबर नहीं है। बाहर की कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज्यादा यूट्यूबर है जो इस टाइप की वीडियो बनाते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही एक बहुत बड़ा राज है कि जितने भी इस वक्त बड़े यूट्यूबर बैठे हैं उन सारों के कहानी में कोई ना कोई उनका फेवरेट बाहर का यूट्यूबर होता है। एलग्रो की क्वालिटी का इतनी हाई लेवल है, बाहर के मुल्क की वीडियोस के लेवल की उसकी क्वालिटी है वीडियोस की। कई तरफ से एलग्रो अच्छी वीडियो बनाता है, कई तरफ से मनुष्य देव, ये कंपैरिजन बनता नहीं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आप अपने दिमाग में फैसला कर सकते हो कि कौन अच्छा यूट्यूबर है। इन पॉइंट की एक्सप्लेनेशन के बाद तुम लोग ही फैसला करो कि असल YT गुरु कौन है। लेकिन इस वीडियो का मतलब फिर मैं कह रहा हूँ किसी को हेट देना नहीं है, बल्कि मनुष्य देव के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो एक छोटी सी फैमिली से इतने बड़े लेवल तक आया है और आज वो मिलियंस ऑफ रुपीज अर्न कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, हाउ टू ग्रो योर चैनल।
अगर आप अपना चैनल ग्रो करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। अगर इस चैनल पर मेरी फेवरेट वीडियो देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। अगर मैं वीडियो में तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन करता तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती।